सो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। आप देख सकते हैं आज बारिश लगी है, बारिश का मौसम है। आज बिल्कुल काम खराब कर दिया इस बारिश ने, क्योंकि अब शादी के लिए भी दो चार दिन बाकी बच चुके हैं, तो घर में काम का भी कोई हाल नहीं है। तो आज थोड़ा सा मुहूर्त वगैरह है, तो उसका भी मैं आपको दे दूंगा उसका क्लिप खींच के मुहूर्त का। और आप देख सकते हैं नीचे जो है इधर ये बोट चारे का बनाया हुआ हमने, देख सकते हैं आप। हम अपनी भाषा में इसको सुवारडा बोलते हैं, आप कमेंट में बता देना आप क्या बोलते हैं। तो यहाँ भी रात को जो है बारिश चालू हो गई थी, तो इधर पानी पानी हो गया है, और इधर तो आप देख सकते हैं आज कुछ भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर का काम हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि बारिश लगी हुई आज। तो तब करके फिर देखते हैं, अगर जो भी होगा आज अंदर का ही काम करेंगे, जितना भी होगा अंदर वाला ही काम करेंगे, बाहर का काम तो हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है बाहर का काम। तो आपकी भाभी भी शादी के कपड़े वगैरह है उनको सिला रही है, अपने ही खुद के कपड़े हैं, थोड़े से दीदी के कपड़े हैं, तो करके थोड़ा बताता हूँ मैं आपकी भाभी को भी। तो चलते हैं आपकी भाभी के साथ मिलाते हैं, आपकी भाभी के साथ तो देख सकते हैं ये है आपकी भाभी, हाय कर दो इनको। तो इधर देख सकते हैं आप ये कपड़े सिल रही है इधर बैठ के, तो आप पीछे देख सकते हैं थोड़ा गंद वगैरह है, स्टोर का रूम है इधर थोड़ा, तो और रूम में सामान बहुत ज्यादा है, शादी का सामान आपको पता ही है। तो तब करके आपकी भाभी इधर बैठ के कपड़े सिल रही है, बाहर सिलती तो बार बारिश है, तब करके इधर बैठ अपनी भाभी से मिल बैठे हैं। तो इसके बाद मैं आगे दे रहा हूँ जो उस मुहूर्त का रंग वगैरह लगा रहे हैं उसको, उसका क्लिप दे रहा हूँ मैं आगे, तो आप देख लेना। तो उसके बाद मिलते हैं फिर से, उस क्लिप को देख लीजिए आप। तो ये है वो क्लिप, ये है मासी जी और बीच में मामी जी और कद वाली है बड़ी बड़ी मासी जी, तो इधर लगा रहे हैं ये रंग। तो देखिए थोड़ा सा लीजिए आप भी इंजॉय। आपने देख लिया जो सुमूर्त वाला क्लिप था वो मैंने दे दिया था, तो आपने देख ही लिया होना। तो उधर हमारी परंपरा ऐसी है, तो आप बता देना को किस किस की परंपरा है ऐसी। तो देखते हैं आपकी भाभी क्या कर रही है काम। इधर आपकी भाभी ने कर दिया है नया सीन, इधर तोड़ दी है ये जो मशीन है इसकी सुई तोड़ दी है इधर, तो कपड़ा थोड़ा मोटा था तो बोल रही है कि सुई टूट गई है। तो अभी इधर शॉप भी नहीं है नजदीक, देखते हैं फिर क्या होता है इसका, बताते हैं आपको। ये बोल रही है कि ऐसे ही बैठे रहना, तो ये हामा जी का सूट तो थोड़ा मोटा। इधर देख सकते हैं आप सुई के हो गए हैं दो टुकड़े, तो मैंने ये मशीन खोल लिए तो मेरे को एक सुई मिल गई, और ये मिल गई मेरे को एक और सुई, तो देखते हैं इसको लगा के चल पड़ेगा काम। तो इधर लगा रही है आपकी भाभी सुई, तो देखते हैं कैसे लगाती है, लगा तो ली इसने। सो बन ही गया इसका काम, इसने कर दिया इधर दोबारा से क्वाड़ा, तो ये रख दी इसने तोड़ के, जो लगाई थी दूसरी सुई इसको भी रख दिया तोड़ ताड़ के। तो ये इसके लिए न्यू प्रेस लेके आ गए हम, तो नया प्रेस आ चुका है आज मेरा, आज इसका नया प्रेस आ गया, तो इसने मंगाया हुआ था। तो अब क्या बोलेगी, तो अब दूसरी सुई भी टूट गई, चारों में बिस्किट खाने, तो मेरा तरीका कुछ और है बिस्किट खाने का, बचपन वाले ये कैसे करता हूँ खाता हूँ। इसमें बिस्किट डाल दिए हैं मैंने, इसमें देख सकते हैं बिस्किट डाल दिए, तो इसके अंदर डाल देना ऊपर से दूध, ये डाल दिया मैंने दूध। तो लेते हैं खाने का एंजॉय थोड़ा सा। तो आप मेरे को बता दीजिए कमेंट करके कौन कौन इस तरीके से बिस्किट खाता है और किस किस को पसंद है। मेरे को तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा पसंद है बिस्किट खाना, तो मैं तो ऐसे ही खाता हूँ। अब आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। आज की वीडियो थी मेरी इतनी, तो करते हैं इस वीडियो को यही खत्म। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं तो मेरे चैनल को जाके जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं नया ब्लॉग डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। और मेरे ब्लॉग को जो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसे ब्लॉग आ रहे हैं, अगर इसमें कमी है तो बता दीजिए, मैं थोड़ा इम्प्रूव कर लूंगा जिन कमियों को। तो करते हैं इस वीडियो को यही खत्म, टाटा।